हाउ टू अट्रैक्ट मनी में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपने जीवन में धन और समृद्धि को अट्रैक्ट करने के तरीकों के बारे में लिखा है। इस किताब में हम सीखेंगे कि पैसे से दोस्ती कैसे करें, वेल्थ के बारे में जागरूकता कैसे विकसित करें, अपनी एबिलिटीज में अपने विश्वास को फिर से कैसे रिस्टोर करें, हमेशा सरप्लस कैसे रखें और अबंडेंस में कैसे जिया करें। हमारी आज की समरी किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी है, जिसको डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि हर इंसान इस धरती पर बढ़ने और मानसिक आध्यात्मिक स्पिरिचुअली या भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक तरीके से बढ़ने के लिए आया है। एक अबंडेंस से भरी जिंदगी जीने के लिए जितनी वेल्थ जरूरी है उतनी वेल्थ हम सब डिजर्व करते हैं। इस किताब में हम सीखेंगे कि कैसे पैसा को अपना दोस्त बनाया जा सकता है, वेल्थ को कैसे डेवलप किया जा सकता है, अपनी एबिलिटीज में अपने विश्वास को कैसे बढ़ाया जा सकता है और हमेशा वो कैसे पाया जा सकता है जो कभी खत्म ना हो। हमारी अमीर बनने की इच्छा एक खुश और अद्भुत जिंदगी जीने की इच्छा है, इसलिए अपने पैसों की सोच को बदलते हैं और फाइनेंशियल सक्सेस या प्रॉस्पेरिटी का मंत्र जानने के लिए ये सारांश अंत तक जरूर देखिए। अमीर बनने का आपका अधिकार। अमीर बनना हमारा अधिकार है। हम सब इस धरती पर एक भरपूर जिंदगी जीने, खुश रहने और आजाद रहने के लिए आए हैं। एक खुशहाल जिंदगी जीने लायक पैसा हम सबके पास होना ही चाहिए। हम सबको लक्जरी या ब्यूटीफुल जिंदगी जीने का पूरा हक है। लोगों के पास पैसा ना होने का सबसे बड़ा कारण है, वो पैसे को खराब मानते हैं। उनका मानना है कि पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है। एक और कारण है लोगों के पैसा ना कमाने का, क्योंकि उनको गरीबी अच्छी लगती है और उनकी ऐसी सोच का कारण उनका ऐसा पालन पोषण और अंधविश्वास हो सकता है। लेकिन गरीबी में कोई अच्छी बात नहीं है, बाकी बीमारियों की तरह ये भी एक दिमागी बीमारी ही है। अगर आप फिजिकली बीमार होते हैं तो आपको लगता है आपके साथ कुछ दिक्कत है, या आप अपनी स्थिति सुधारने के लिए आप कुछ न कुछ करते हो। वही तरीके से अगर आपकी जिंदगी में पैसा भी लगातार नहीं आता तो आपके साथ कुछ दिक्कत है जो आपको बदलने की जरूरत है। हम सब सफल होने, जीतने या सभी परेशानियों से लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आपकी जिंदगी में आर्थिक रूप से कमी है तो आपको उसके लिए कुछ करना चाहिए। सबसे पहले पैसे से जुड़े जितने भी अंधविश्वास या कहानियां हैं उससे खुद से दूर कर लें। पैसे को खराब या अपना दुश्मन न समझें, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप खुद ही पैसे को खुद से दूर कर रहे हो। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे के लिए मर हो जाते हैं, पैसे के लिए चोरियां होती हैं, या पैसा हजारों क्राइम्स का कारण है, लेकिन फिर भी ये सब पैसे को खराब नहीं बनाते। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर एक इंसान किसी को मारने के लिए $50 देता है तो उसने अपने खराब उद्देश्य के लिए पैसा का इस्तेमाल किया है, ना कि इसमें पैसा खराब है। उसी तरह वो बिजली या पानी का इस्तेमाल कर सकता है किसी को मारने के लिए, लेकिन इसमें बिजली या पानी खराब नहीं है। इसी तरह अगर आपके हाथ में सुई चुभ जाती है तो उसमें सुई की गलती नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि जिन चीजों का इस्तेमाल क्राइम्स में होता है उसमें चीजों का कोई दोष नहीं होता। हमें उन चीजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो तय करते हैं कि ये हमारे लिए आशीर्वाद होगा या वो हमको नुकसान पहुंचाएंगे। सब कुछ छोड़कर सिर्फ पैसे से प्यार आपको जरूर असंतुलित जीवन दे सकता है। कुछ लोगों को सिर्फ पावर चाहिए और कुछ लोगों को सिर्फ पैसा। अगर आपका दिल सिर्फ पैसे पर आ गया है और बाकी कुछ आपके लिए मैटर नहीं करता तो आपको शायद पैसा तो मिल जाएगा लेकिन बैलेंस्ड लाइफ नहीं मिलेगी। अगर आप अपना सारा समय और एफर्ट सिर्फ एक्सटर्नल चीज या पैसा पाने में ही लगाएंगे तो आपके पास मन की शांति, प्यार, खुशी और परफेक्ट हेल्थ की कमी रह जाएगी। सिर्फ पैसे का प्यार लाइफ में फ्रस्ट्रेशन देता है, निराशा देता है, या यहाँ इस केस में इसको सारी मुसीबतों की जड़ कहा जा सकता है। अगर आपने पैसा कमाने को अपनी लाइफ का एकमात्र मकसद बनाया है तो आपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। आपको ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में बस पैसा ही चाहिए, लेकिन अपने बहुत सारे प्रयास के बाद आप खुद एहसास करते हैं कि आपको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, आपको वास्तव में मन की शांति चाहिए। आप पैसे के साथ भी मन की शांति, उत्तम स्वास्थ्य पा सकते हैं। धन भगवान की सुंदरता एवं प्रचुरता का प्रतीक है और इसको इस्तेमाल ऐसे किया जाना चाहिए कि इसका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। ये राष्ट्र की इकोनॉमिक हेल्थ का भी सिंबल है। जब बॉडी में हमारा ब्लड सही मात्रा में होता है तो हम हेल्दी होते हैं। ऐसे ही जब पैसा भी हमारी लाइफ में सही मात्रा में होता है तो हम इकोनॉमिकली हेल्दी होते हैं। धनवान होना भी सचेत होने की ही एक दशा है।
वैज्ञानिक लोग पैसा या दौलत को समुद्र की लहरों से तुलना करते हैं, जिसका मतलब है वो जाती है लेकिन लौट के भी जरूर आती है। लहरें कभी नहीं रुकी, वही ऐसे ही धन भी नहीं रुकता अगर हम भगवान पर भरोसा बनाए रखें। अगर हम अपने अवचेतन मन को हमेशा धन की आपूर्ति देने के लिए प्रभावित करना चाहते हैं, तो एक तरीका अपनाया जा सकता है और वो है, सबसे पहले अपने मन को शांत करें, आराम करो। ऐसी स्थिति में जाओ जहां आप आधी नींद में हो या सोने वाले हो और फिर शांति से खुद से पूछें, हमारे विचार कहां से आते हैं, धन कहां से आता है, हमें दिमाग कहां से मिलता है। इन सवालों के जवाब में आपको एक ही स्रोत के बारे में पता चलेगा, वो है आध्यात्मिक शक्ति। आप समझ जाओगे कि धन सिर्फ दिमाग की एक दशा यानी अवस्था है। एक वाक्यांश को धीरे धीरे 4 से 5 बार दिन में रिपीट करें, विशेष रूप से सोने से पहले। मनी मेरी जिंदगी में हमेशा बह रहा है और एक दिव्य शक्ति मेरे ऊपर हमेशा प्रेजेंट होती है। अगर आप इसे रोज बोलेंगे तो पैसे का आइडिया आपके दिमाग में अंदर तक उतर जाएगा और आप वेल्थ कॉन्शियस बन जाएंगे। इसका दोहराव बस यांत्रिक रूप से दोहराने से कुछ नहीं होगा, आपको इसको बोलते हुए महसूस करना होगा, दिमागी स्तर पर स्वीकार करना। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनको शुरू में ऐसे बयानों से कुछ मदद नहीं मिलती, जैसे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं सफल हूँ। ऐसे स्टेटमेंट्स कंडीशंस को और ज्यादा खराब कर देते हैं। इसका कारण है कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वो ही स्वीकार करता है जो आइडिया और फीलिंग डोमिनेंट यानी दिमाग में हवा होती है। जब वो बोलते हैं कि मैं समृद्ध हूँ, तो उनके अंदर कमी यानी अनुभव की भावना ज्यादा मजबूत होती है, ना कि समृद्ध होने की। इसलिए वो खुद से बात करते हैं कि मैं समृद्ध नहीं हूँ, मैं तो गरीब हूँ। कमी की भावना इतनी मजबूत होने से पुष्टि भी कमी को ही बढ़ावा देती है। इसको दूर करने के लिए बिगिनर्स को वो करना चाहिए जो कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट या सहमत करे। उसके बाद दिमाग में कोई विरोधाभास नहीं होगा। हमारा अवचेतन मन हमारी भावनाओं, हमारे विश्वासों और दृढ़ विश्वास को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेगा। हम अपने अवचेतन मन को इस बात की पुष्टि करते हैं कि मैं व्यस्त रह सकता हूँ, जैसे मैं हर रोज समृद्ध हो रहा हूँ, मेरी दौलत या ज्ञान साथ में बढ़ रही है, मैं फाइनेंशियली आगे बढ़ रहा हूँ। इस तरह की पुष्टि मन में संघर्ष पैदा नहीं करेगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी सेल्समैन के पास सिर्फ 10% एस है, तो वो आसानी से मान सकते हैं कि उसके पास अगले दिन ज्यादा आ सकते हैं। उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आता कि वो अगले दिन भी पैसा नहीं कमा सकता। वो ऐसे बयानों में उपयोग कर सकता है, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। उसका ये बयान मानसिक रूप से स्वीकार्य होगा, जो उसे वो परिणाम देगा जो वो चाहता है। लेकिन तभी सच होगा जब वो सोचेगा, बोलेगा या उसे अनुभव करेगा कि भगवान के पास धन की कोई कमी नहीं है। इंसान 3 विचार पर काम करके बेहतरीन परिणाम पा सकते हैं, वो है स्वास्थ्य, धन और सफलता। स्वास्थ्य भगवान की एक गुणवत्ता है, धन भगवान की देन है जो कभी खत्म नहीं होगा, सफलता भी भगवान की देन है क्योंकि भगवान हर चीज में सफल होते हैं। एक तरीका है जिससे अद्भुत परिणाम पाए जा सकते हैं और वो है, शीशे के आगे खड़े हो जाएं और 5 से 10 मिनट तक दोहराएं, स्वास्थ्य, धन और सफलता। एफर्मेशंस जैसे मैं स्वस्थ हूँ या मैं सफल हूँ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एफर्मेशन मन में भ्रम पैदा करती है। लेकिन सिर्फ स्वास्थ्य, धन और सफलता दोहराने से बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि धन हमारे दिमाग में होता है, और वो इसका एक उदाहरण भी देते हैं। एक युवा लड़का था ऑस्ट्रेलिया का जो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन ना तो उसके पास पैसे था और ना ही कोई डिग्री थी। अपने खर्चों के लिए वो एक डॉक्टर का कार्यालय साफ करता था, कांच साफ करता है और मरम्मत भी करता था। हर रात जब वो सोने जाता तो वो कल्पना करता था, एक वॉल पर डिप्लोमा लगा है जिसमें बोल्ड लेटर्स में उसका नाम लिखा था। वो मेडिकल बिल्डिंग में दीवार पर लगे डिप्लोमा साफ करता था। इसके लिए उसके लिए ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था। ऐसा उसने कुछ महीनों तक इमेजिन किया। कुछ समय बाद हमें परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। एक डॉक्टर को वो लड़का पसंद आया और उस डॉक्टर ने उस लड़के को अपने पास ट्रेनिंग पर रख लिया और उसे कुछ चीजों की ट्रेनिंग दी। डॉक्टर ने उसे अपने खर्चे पर हाई स्कूल और फिर कॉलेज भी भेजा। ये लड़का आगे चलकर कनाडा का एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना। उसके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट छवि इमेज थी जो उसे चाहिए था। उसके पास सपना था क्योंकि उसकी दौलत उसके दिमाग में थी। वो ऐसा सोच सकता था कि मेरे पास तो डिग्री नहीं है, पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है
और ऐसा सोचने से उसका सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। उसकी दौलत उसके विचार में थी और खुद की आध्यात्मिक शक्ति को इस्तेमाल करने में थी, जिसने उसे और सफल बनाया। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि हम जो भी करते हैं वो हमारे आंतरिक विचार, भावनाएं और दृढ़ विश्वास का जवाब होता है। हमारे सारे बाहरी कार्रवाई हमारे मन के आंतरिक आंदोलनों का पालन करते हैं। वो अपना खुद का उदाहरण भी देते हैं और बताते हैं कि वो इमेजिन करते हैं। उनकी एक प्रसिद्ध किताब मैजिक ऑफ फेथ का अनुवाद फ्रेंच में हो रहा है। जैसे उनका सपना था, कुछ हफ्ते तक हर रात को सोने से पहले वो खुद को मैजिक ऑफ फेथ किताब का फ्रेंच एडिशन पढ़ते हुए कल्पना करते थे। 1954 में क्रिसमस से ठीक पहले पेरिस के एक प्रमुख प्रकाशक का एक पत्र उन्हें मिला, जिसमें उनकी किताब मैजिक ऑफ फेथ को फ्रेंच में ट्रांसलेट करने और सारी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज में प्रमोट करने की इजाजत मांगी गई थी। अंत में उनका सपना पूरा हुआ, जिसको उन्होंने भावनाओं के साथ कल्पना किया था। अगर हमने समझा लिया कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। सोचना और महसूस करना हमारी नियति होती है। चेतना के ठीक से हम सब कुछ पा सकते हैं। स्वास्थ्य की चेतना हमें स्वास्थ्य देती है और धन की चेतना हमें धन देती है। अगर आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो सकता है वो आपको बहुत सारे कारण देगा कि आप कैसे विफल हो सकते हैं। वो आपके दिमाग में विफल होने का डर भी पैदा कर सकता है। लेकिन जब आप जागरूक हो जाते हैं आध्यात्मिक शक्ति के बारे में, जो आपके विचारों का जवाब करता है, तो आप दुनिया के सारे रिजेक्शंस को अवॉइड कर देते हैं और आपको पता होता है कि सफल होने के लिए सारी शक्ति या ज्ञान आपके पास है। कुछ लोग हमेशा दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं कि कैसे दूसरे लोगों ने चोरी, बेईमानी या ठगी से पैसा कमाया है। जो लोग ऐसे बात करते हैं वो ज्यादा आर्थिक समस्याएं या शारीरिक बीमारी से घिरे होते हैं। शायद उनके साथ के लोग जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल हो गए या ये लोग पीछे रह गए, इसलिए ये लोग अब उन सब लोगों से जलते हैं। कई जगह यही उनके पतन का कारण होता है। दूसरे लोगों के बारे में नकारात्मक सोचने या उनके पैसे को देखने से वो अपनी खुद की दौलत भी खत्म कर लेते हैं। एक तरफ वो ज्यादा पैसे के लिए प्रार्थना करते हैं और दूसरे तरफ वो दूसरे के पैसे के लिए निंदा करते हैं। हमको हमेशा दूसरे को आशीर्वाद देना चाहिए, उनकी सफलता में खुश होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हो तो आप खुद को ही आशीर्वाद दे रहे होते हो। अब आप किसी एक ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे होंगे जिसने दूसरे को धोखा देकर या बेईमानी से दूसरों का आर्थिक रूप से फायदा उठाया हो। इसका जवाब सिंपल है। जब हम किसी के साथ धोखा करते हैं, चीटिंग करते हैं और फ्रॉड करते हैं, तो असल में हम अपने साथ ही वही कर रहे होते हैं। असल में हम अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं। हमें नुकसान बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे कि हेल्थ में लॉस, मन की शांति चली जाना, बीमारी या बिजनेस में नुकसान। जरूरी नहीं है कि नुकसान हमेशा पैसे का ही हो। आप दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना भी अमीर या समृद्ध बन सकते हैं। कुछ लोग हमेशा अपने आप से चोरी कर रहे होते हैं, स्वास्थ्य, खुशी, आनंद और प्रेरणा की चोरी। कुछ लोगों को लगता है उनने कभी चोरी नहीं की, लेकिन ये सच नहीं है। जब भी हम किसी से जलते हैं, उसका बुरा सोचते हैं या उनकी दौलत या सफलता को मन ही मन कोसते हैं, तो असल में ये खुद से ही चोरी करने जैसा है। अगर आपकी संस्था में कोई प्रमोट होता है तो उसकी खुशी में खुश होना चाहिए, उसे मन से बधाई दें। अगर किसी के उम्र बढ़ने से आप गुस्सा या नाराज हो, तो अपना खुद का नुकसान कर रहे हो। अपने घर, बिजनेस और बाकी चीजों के लिए ये प्रार्थना डेली यूज करें। लॉर्ड वो शक्ति है जो सब जगह प्रेजेंट है और वही डिसाइड करता है कि सूरज कब उगेगा और कब डूबेगा। उनकी नजर हमेशा हमारे बिजनेस, हमारे घर पर है और हर उन चीजों पर है जो हमारी है। आप सबको अपनी समस्याओं का समाधान अपने अंदर ढूंढना चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो सोने से पहले ये प्रार्थना हमेशा रिपीट करें। अब मैं आराम से सोऊंगा। मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, क्योंकि भगवान के पास सारे जवाब हैं। जैसे ही सुबह सूरज उगेगा, मुझे मेरे जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि सूर्य का उदय कभी असफल नहीं होता। फिर सोने जाएं, आने वाले उजाले के लिए प्रार्थना करें। हर रात अपनी नींद को बहुत अच्छी बनाएं। गरीबी में जब आप भूखे होते हो तो आप खाना ढूंढते हो, जब आप परेशान होते हो तो शांति चाहते हो, जब आप कमजोर होते हो तो ताकत ढूंढते हो। आपकी समृद्धि की चाहत भी एक भगवान की ही आवाज है, जो आपको बोलती है कि बहुतायत आपकी है।
इसको अपनी हर रोज की प्रार्थना में जरूर बोले। भगवान ही सारी शक्तियों का जरिया है, भगवान की शक्तियाँ ही मेरी शक्तियाँ हैं। मैं हमेशा अपनी सच्ची वर्थ के लिए सचेत रहता हूँ। मैं अपने टैलेंट्स को यूज करके अमेजिंग रिजल्ट्स पा सकता हूँ। भगवान को धन्यवाद। आमिर बनने का रास्ता। वेल्थ हमारे दिमाग में होती है। मान लो अगर किसी डॉक्टर की सारी डिग्री और औजार चोरी हो जाए, तो भी एक्चुअल नॉलेज और वेल्थ उसके दिमाग में होती है। वो अभी भी लोगों का इलाज कर सकता है, बस उसके डॉक्टर के पढ़ाई के सिंबल्स चोरी हो गए हैं। लेकिन उसकी दौलत, उसकी मानसिक क्षमता, उसकी दूसरों को मदद करने की नॉलेज और मानवता को योगदान करने में है। डॉक्टर मर्फी बाइबल में यूज हुए एक पैसेज चेंज द वॉटर इंटू वाइन का मतलब समझाते हैं। ये एक संपूर्ण स्वास्थ्य, प्रसन्नता, मन की शांति या समृद्धि पाने का उत्तर है। वाइन शराब का मतलब बाइबल में हमेशा होता है अपने सपने और योजना की प्राप्ति होना। दूसरे शब्दों में ये वो चीज है जो आप पूरी करना, हासिल करना और पाना चाहते हो। पानी का मतलब आमतौर पर आपके दिमाग और चेतना से है। पानी को जिस भी बर्तन में डाला जाए, वो उसकी शेप ले लेता है। वही ऐसे ही आप जो भी विश्वास करते हो और उसे फील करते हैं, वो आप अचीव करते हो। इसको ही पानी को वाइन में बदलना कहा गया है। डॉक्टर मर्फी यहाँ अपना एक क्लाइंट का उदाहरण शेयर करते हैं। पानी को वाइन में बदलकर अपनी जिंदगी का पहला चमत्कार किया। उस लड़की का एक बहुत अच्छा सा सलोन था, लेकिन उसकी माँ बीमार पड़ गई और उससे घर पर रहना पड़ा। उसकी अनुपस्थिति में उसके सहायकों ने पैसे का हेर फेर कर दिया और यहाँ तक कि वो लड़की दिवालिया हो गई। उसका घर बिक गया और उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी चढ़ गया। वो लड़की अपनी माँ के हॉस्पिटल बिल्स तक नहीं भर पा रही थी और ना ही उसके पास कोई काम था। ये लड़की दुनिया से लड़ रही थी। उसका कहना था, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, मैं अपने बिल्स नहीं भर सकती, मैं प्रे नहीं कर सकती क्योंकि मैंने उम्मीद खो दी है। डॉक्टर मर्फी ने इस लड़की को पानी को वाइन में बदलने का फॉर्मूला समझाया और तब उसे समझ आया कि उसको दुनिया से नहीं बल्कि अपने मन की लड़ाई को ठीक करना होगा। ये वही चीज हमारे साथ भी होती है। हमारे मन में हमेशा एक वार चलती रहती है। हम अपनी संपत्ति या अन्य इच्छाओं को पूरा न होने के लिए बाहरी वातावरण को दोष देते हैं। प्रार्थना हमें हमारे मानसिक संघर्ष से बाहर निकालती है। प्रार्थना एक तरह की मानसिक विवाह की दावत होती है, जहां विचार और भावनाएं ही हमारी नियति है। जैसा हम अपने अंदर सोचते हैं और महसूस करते हैं, वैसे ही हमारी बाहरी दुनिया होती है, जो हमारी बॉडी, फाइनेंसेस, एनवायरमेंट और सोशल पोजिशन आदि है। हमारे आंतरिक मूवमेंट्स हमारे बाहरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। भगवान आपके लिए क्या है? आध्यात्मिक शक्ति को भगवान का नाम दिया गया है। गॉड एक वो इनविजिबल सोर्स है जहाँ से सारी चीज आती है। एक आध्यात्मिक शक्ति है जो हमारे सारे विचार का प्रतिसाद देती है। एक इंसान जब प्रार्थना करता है तो अपने काम को विश्वास में बदल सकता है। जैसे ही उसका विश्वास आध्यात्मिक शक्ति में होता है, उसकी जीत की फीलिंग स्ट्रॉन्ग होती जाती है। ये आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। दिन भर में हजारों तरह के विचार, ओपिनियंस, दृश्य और ध्वनियां हमारे कानों या आंखों में पड़ते हैं। ये हमारी पसंद है कि हम ऐसे विचार को अस्वीकार कर दें या उनको मनोरंजन करते रहें। डॉक्टर मर्फी ने जब ये सब अपने क्लाइंट को समझाया, जो सैलून की मालिक थी, तब वो मेंटली अमीर हो गई। उसे सोचने और महसूस करने का नया तरीका अपना लिया। रात में बहुत शांत और रिलैक्स हो जाती और अपनी इमेजिनेशन को यूज करना स्टार्ट किया। उसने 3 स्टेप्स फॉलो करने शुरू किए। पहला स्टेप, उस लड़की ने इमेजिन करना शुरू किया कि बैंक मैनेजर उसको बैंक में बहुत पैसा डिपॉजिट करने के लिए बधाई दे रहा है। ऐसा वो 5 मिनट के लिए इमेजिन करती है। दूसरा स्टेप, अपनी कल्पना में वो अपनी माँ को बोलते हुए सुनती कि बहुत खुश है अपनी बेटी की तरक्की से। ऐसा वो खुश होकर पूरी फीलिंग के साथ 3 से 5 मिनट तक देखती है। तीसरा स्टेप, वो खुद की शादी होते हुए इमेजिन करती। 3 हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ। वास्तव में उसकी स्थिति और खराब हो गई। उसने गिव अप नहीं किया और हार नहीं मानते हुए अभ्यास करती रही। 1 महीने के अंदर उसकी शादी हो गई और उसकी शादी में $24,000 का चेक गिफ्ट में मिला और अंत में उसने पानी को वाइन में बदलने का चमत्कार करने का अनुभव किया। जब भी आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे, जो कि आएंगे ही, कभी अपने नकारात्मक विचारों से लड़ाई और झगड़ा न करें, बल्कि आध्यात्मिक या मानसिक फॉर्मूला अपनाएं और इसको रिपीट करें। भगवान मुझे सब कुछ दे रहा है। हर चीज का सलूशन गॉड के पास है। भगवान की दौलत ही मेरी दौलत है। हमारी प्रार्थना जहाज के कप्तान की तरह है।
हमारे पास बस कहीं पहुंचने की मंजिल होनी चाहिए। जहाज के कप्तान को रास्ता मिलता है, उसी तरह हमारी प्रार्थनाओं को गंतव्य तक पहुंचाने का रास्ता पता है, और हम ब्रिज पर खड़े कप्तान की तरह हैं। हम विचार, राय और विश्वास से आदेश दे रहे हैं। इमेजिन करो कि आपको बहुत बड़ा खजाना मिला है। इसको सोचिए, फील करें और नोटिस करें कि इस आइडिया पर आपकी बॉडी कैसी रिएक्ट करती है। इस रिएक्शन की इमेज को अपने दिमाग में बैठा लें। खुद की इस इमेज को पूरी खुशी और विश्वास के साथ बार बार सोचिए और प्रार्थना से आप ये मुमकिन कर सकते हैं। अपने मन को शांति, सफलता, धन और खुशी के विचारों में व्यस्त रखें। पूरी भावना और विश्वास के साथ हमको दौलत से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन साथ ही दिमाग में बहुत सा डर, शक, चिंता, आलोचना, ईर्ष्या और गुस्सा जैसी अतिरिक्त पत्नियां रखकर इस मैरिज के साथ फ्लर्ट न करें। निष्कर्ष, हम जो भी हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस पाना चाहते हैं, वो सबसे पहले इनविजिबल होती है। सब कुछ अदृश्य से ही बनता है। कुछ भी रियलिटी यानी ऑब्जेक्टिवली पाने से पहले अपने दिमाग में पाना होगा। वेल्थ की फीलिंग ही हमको वेल्थ प्रोड्यूस करती है, क्योंकि प्रोड्यूस कॉन्शियसनेस की एक स्टेज है। ये वो स्टेज है जिसको हम फील करते हैं, विश्वास करते हैं और मेंटली जिसे मान लेते हैं। और लास्ट में अपने माइंड और हार्ट को खुला रखें और ये हमेशा याद रखें, गॉड ही हमारा पायलट है, गॉड ही हमें लीड कर रहा है और गॉड ही हमारा काउंसलर है जो हमें समृद्धि देगा। इसी के साथ धन्यवाद। ऐसे ही सटीक कंटेंट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।